लेकिन यहाँ पे गाइज एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, ये रेप्टर्स जो है ना, इन रेप्टर्स के ऊपर कहा जा रहा है कि व्हाइट वेल्ड जो सी ईगल है ये अपना जो आवास है वो ऐसे जगहों पे बना रही हैं, क्योंकि इनका नेचुरल हैबिटाट है वो लॉस्ट हो चुका है और ये कहीं ना कहीं इनके लाइफ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया में जो रेप्टर्स रहते हैं इनका जो नेचुरल हैबिटाट है नहीं है, और इस वजह से ये क्या कर रहे हैं कि ये अपना अल्टरनेटिव घर ढूंढ लिए हैं और जहाँ पे रहने के लिए विवश हैं, और ये कहीं ना कहीं इनके लाइफ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। गाइज एक बात मैं और बता दूं कि इनके रिगार्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो रेप्टर्स है वो अभी जो आयुष्यन का जो रेड डाटा बुक होता है या रेड लिस्ट होता है उसमें लिस्ट कंसर्न के रूप में आता है, बट लिस्ट कंसर्न का मतलब ये नहीं है कि इस चीज़ को ऊपर ध्यान ही ना दिया जाए। अब जब आज ध्यान नहीं दिया जाएगा, चाहे वो लिस्ट कंसर्न हो चाहे जो भी हो, तो कभी ना कहीं आने वाले समय में वो थ्रेट में आ जाएगा, फिर वो इंडेंजर में आ जाएगा, फिर क्रिटिकली इंडेंजर में आ जाएगा और बाद में कहीं एक्सटेंड भी ना कर जाए, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों पर एक बार ध्यान देना चाहिए। देखो गाइस, मैंने आपको बोला था G20 के ऊपर कि हम आगे बात करेंगे G20 के ऊपर, तो यहाँ पे देखो गाइस, G20 जो डेलीगेशन है यानी कि जो G20 डेलीगेट्स आने वाले हैं, इनके लिए अभी हिस्से ही ट्रैफिक को ब्लू लाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि ट्रैफिक को क्लियर करने का काम किया जा रहा है कि किस एरिया से लाया जाएगा, किस तरीके से लाया जाएगा, और इस एरिया में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी या किसी तरीके कोई ट्रैफिक जैम वगैरह का ना हो, जिससे इन लोगों को आने में, ठीक है ना, किसी तरीके का कोई भी तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, चाहे जाम हो जाए रोड, वैसा सामना ना करना पड़े। इसलिए दो दिन का ये डेलीगेशन चलेगा, दो दिन का ये सबमिट चलेगा, G20 सबमिट दो दिन चलेगा और ये चालू हो जाएगा 9 सितंबर और 10 सितंबर को चलेगा, और इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। और यू नो वेरी वेल गाइज की कुछ टाइम पहले आप देखो तो धौला कुआं वाला जो रोड है और उसके आसपास के जो भी होटल भी थे, रेस्टोरेंट थे, उन सभी जगहों को कहीं ना कहीं सील किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, क्योंकि ये G20 सबमिट होने वाला है भारत में, ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और इसलिए हर तरीके से सब कुछ को क्लीन किया जा रहा है, हर जगह को काफी अच्छे से सुरक्षित किया जा रहा है, ठीक है ना, ताकि VVIP जो मूवमेंट है वो काफी अच्छे तरीके से हो सके। तो यही है, और यहाँ धौला कुआं वाला जो रूट के बारे में बात किया था वो यहाँ पे है। बेसिक सी बात ये है कि G20 डेलीगेट्स आने वाले हैं भारत में, सबमिट होने वाला है, दो दिन का ये सबमिट चलेगा और ये 9 से 12 सितंबर तक चलेगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे पॉइंट्स को इसमें कवर किया जा सकता है। तो आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर और भी हमारी बातचीत होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं कि अगला न्यूज़ क्या है। एक ही बहुत ही प्यारा मेरे को यहाँ पे आर्टिकल मिला है, और गाइस ये आर्टिकल काफी अच्छा है, बिकॉज मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेगालिथिक एज है, मेगालिथिक एज के कुछ साइट्स मिले हैं केरल में, और ये साइट ऐसे नहीं है कि अचानक से अपने आप सामने आ गए, एक्चुअली में पाइपलाइन वर्क चल रहा था और पाइपलाइन वर्क जब चल रहा था तो उसी समय इस साइट को खोज लिया गया, खोज नहीं गया मतलब कि इंटेंशन खोजने का नहीं था, बल्कि पाइपलाइन को वहां से लेकर के जाना था, लेकिन जब खुदाई चल रही थी तो वहां पे मेगालिथिक एज का या मेगालिथिक साइट्स वहां से मिल गए। एक्चुअली में हुआ क्या कि जब ये साइट्स बन रहे थे तो वहां से कुछ ऐसे टोपियां मिली, ठीक है ना, जो पत्थर की बनी हुई थी, ठीक है ना, पत्थर की बनी हुई टोपियां मिली, और इसको अभी वहां के लोग कहते हैं थोपी कल्लू कहते हैं उस टोपियों को, स्टोन का बना हुआ वो टोपी था जो मेगालिथिक एज का फाउंड किया गया है, और ये मिला है आपके केरल में नगा रंपा में मिला हुआ है, केरल के नागारंपा के कुट्टूपुरम विलेज में मिला हुआ है जो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये नाम थोड़ा सा अजीब है क्योंकि हम लोग नॉर्थ साइड से हैं और साउथ वाले जो भी नाम होते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, बट कोई नहीं। यहाँ पे जो ये मिला हुआ है, ठीक है ना, तो ये इसको वहाँ पे टोपी कल्लू कहा जाता है, ठीक है ना, जो टोपी कल्लू है उसे कहा जाता है, और एक तरह का, ठीक है ना, ये मेगालिथिक पीरियड का ये सारी चीज़ें मिली हुई है। सवाल यह है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, घर बना रहे थे, तो उन लोगों ने इसका बहुत नुकसान कर दिया, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि कोई ऐसा भी चीज़ हो सकता है जो एंशियंट टाइम का हो, 2000 ओल्ड हो, और 2000 देखो गाइस, यहाँ से जो मेगालिथिक साइट्स पाए गए हैं वो 2000 साल पुराना है, और 2000 साल पहले का वहाँ का कल्चर, वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का सिविलाइजेशन, वहाँ का रिलीजियस रिफॉर्म्स, सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है इससे, मेगालिथिक एज से, ठीक है ना, ये मेगालिथिक साइट से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मिला है केरला में, याद रखना, स्टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या है न्यूज़ आप सभी के लिए। यहाँ पे देखो, सेंटर ने इम्पोज कर दिया है 40% की ड्यूटी ऑन ओनियन एक्सपोर्ट्स टू फ्लोवर्ड स्टॉक्स, ठीक है ना। देखो गाइज, एक होता है इंपोर्ट मीन्स होता है मंगाना, एक्सपोर्ट मीन्स होता है भेजना, ठीक है ना। तो इसके ऊपर 40% का ड्यूटी लगा दिया गया है, लेकिन आपको गूगल सर्च क्या करना है, नाफेड क्या है, इसको आप गूगल सर्च एक बार कर लेना, देख लेना कि नाफेड क्या है और इसके क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है ना, इसको एक बार गूगल सर्च करके देख लेना, ठीक है। अब गाइज मैं बातचीत करता हूँ यहाँ पे एलईसी के बारे में, एलईसी के ऊपर हमारी बातचीत चलेगी क्योंकि ब्रिक्स सबमिट होने वाली है, और उस ब्रिक्स सबमिट में और साथ ही G20 सबमिट भी होने वाला है, तो ऐसा माना जाता है कि एलईसी के ऊपर बहुत सारी बात चल सकती है इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि हमारे जो
डिस्प्यूट चल रहे हैं बाउंड्रीज को लेकर के, तो वो डिस्प्यूट के ऊपर बातचीत चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीजें अभी बनती जा रही है, समझ रहे हो ना। एग्रेशन चाहे चाइना की तरफ से देखो तो एग्रेशन चाइना की तरफ से हमेशा बहुत ज्यादा रहा है, तो इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत करेगा, बातचीत होगा और इन सारे पॉइंट्स के ऊपर शॉर्ट आउट होने वाली है। और ये इसके ऊपर अंदर वाले पार्ट में जैसे बढ़ूंगा तो उसके ऊपर और डिटेल्स में हमारी बातचीत होगी। एक जो यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और ये वन लाइनर जो एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोटस यानी कि कमल की एक वैरायटी पाई गई है जिसका नाम है नामो 108। नामो 108 क्या है, तो ये लोटस की एक वैरायटी है, तो ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो G20 कंट्रीज टू स्ट्रेंथन ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो 25 पॉइंट्स ऐसे हैं, 25 पॉइंट्स के ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं जिसके ऊपर बातचीत चलेगा, जिसमें हेल्थ आएगा, साइंस आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये देखो 1857 वार का फाइट डाउन साउदर्न है, तो इसके ऊपर बातचीत किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी एक बार देख लेना, खास नहीं है बट देख लेना। देखो गाइस, इंडिया ने अपना चंद्रयान लॉन्च किया, ठीक है ना, और चंद्रयान जो है 23 अगस्त तक, ठीक है ना, चंद्र के धरातल पे पहुंच जाएगी, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस बचा हुआ है। और ये जो लैंडर है जिसका नाम विक्रम है वो अपना इमेजेस भी खींच करके भेजना शुरू कर चुका है हम लोगों के जो एजेंसी है वहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जब हम लोगों ने चंद्रमा का के लिए चंद्रयान 3 भेजा, उसी समय रशिया ने लूना नामक एक चंद्रयान भेजा है, ठीक है ना। चंद्रयान नहीं कहा जा सकता, मतलब कि चंद्रमा पे ही लूना मिशन 25 को भेजा है, जो हमारे चंद्रयान की तरह ही है। ये क्या हुआ है कि ये अभी इसका टेक्निकल ग्लिच की वजह से इसमें कनेक्शंस अभी टूट रहे हैं, तो इसी के ऊपर न्यूज़ है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो अभी फेसेस कर रही है, ठीक है, ये सफर कर रही है टेक्निकल ग्लिच का लूना, और अभी हम लोग का जो चंद्रयान है वो काफी अच्छे तरीके से हम चंद्रमा के करीब पहुंच गए हैं, और बहुत जल्द चंद्रमा के धरातल पे भी चंद्रयान 3 पहुंच जाएगा। एक बात गाइस याद रखना, जो ट्विटर का नाम है वो अब एक्स हो चुका है, इसको याद रखना, ठीक है ना। और ये आप एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स इंपॉर्टेंट क्या है, एलन मस्क का जो आप कंपनी का देखोगे तो स्पेस एक्स है, ठीक है ना। उसी तरीके से ट्विटर का भी उन्होंने नाम एक्स कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे जो भी एग्जाम्स होते हैं वन लाइनर टाइप के, उन एग्जामिनेशन में आने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या न्यूज है आप सभी के लिए निकल के आता हुआ। तो यहाँ पे देखो गाइस, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल कार्बन का इमिशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ग्लेशियर का जो थ्रेट है वो ही बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो ना। यानी कि जो वाटर का लेवल था वो इंक्रीज करता जा रहा है समुद्र सी के अंदर, तो इसी के ऊपर बातचीत किया गया है कि भैया जो भी हम लोग कार्बन का इमिशन कर रहे हैं उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम में जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगी और पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा धरातल जो है जलमग्न हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अल्जाइमर के बारे में बातचीत किया गया है। अल्जाइमर क्या होता है गाइस, मैं बता दूं कि भूलने की ये एक ब्रेन डिजीज होता है, और इसमें आप चीजों को बहुत तेजी से भूलते हो, आपको याद नहीं होता है, तो इसी के ऊपर एक ट्रायल चल रहा है और ऐसा पाया जा रहा है कि अल्जाइमर को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या न्यूज है। यस गाइस, जो मैं बोल रहा था G20 और ब्रिक्स सबमिट, तो यहाँ पे वो फाइनली वो वाली पॉइंट हमें मिल गई है। ये देखो गाइस, यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। ब्रिक्स सबमिट होने वाला है आपका, ठीक है ना, कहाँ पे, तो ये होगा गाइस अफ्रीका में ब्रिक्स सबमिट होने वाला है, और ऐसा माना जा रहा है कि हम लोग बातचीत कर पाएंगे, इंडिया अपना एक्सटेंड ले पाएगा किस मैटर पे, तो एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना, एलएसी पे हम लोग कर सकते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, चाइना के साथ। इस पूरे इंटायर आर्टिकल्स को डिटेल्स में हम लोग एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, हमारा बायलेटरल टॉक्स हो सकता है इंडिया और चाइना के बीच में। G20 सबमिट जो दिल्ली में होने वाला है सितंबर में, और साथ ही यहां पे हम लोग ब्रिक्स में भी भाग लेने वाले हैं, क्योंकि ब्रिक्स सबमिट होने वाला है आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो ब्रिक्स अभी है। ब्रिक्स क्यों अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बातचीत करूं तो 2019 के बाद से ये 2023 में फिर से कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि 2019, 20, 21 आप देखो तो कोविड का टाइम रहा है, और उस समय वर्चुअल रूप से सबमिट चला। उसके बाद रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है, और इसकी वजह से ये सबमिट नहीं हो पाया था, क्योंकि जो भी डेलीगेशंस थे वो नहीं पहुंच पाए। डेट्स वाई ये मतलब कि लगभग 3 सालों के बाद ये होने वाला, आप 19 से जोड़ लो तो ये 4 साल बाद होने वाला, ये पहला सबमिट होने वाला है आपका ब्रिक्स का। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे इग्नोर मत करना। ये 4 साल बाद हो रहा है, 2019 में हुआ था, 2019 के बाद ये नहीं हुआ था, 20, 21, 22 और फाइनली हो रहा है 23 में, समझ रहे हो ना। तो आप देख लो, 3 साल 4 साल के बाद ये हो रहा है। अब पहले ब्रिक्स क्या है तो इसके ऊपर बात कर लूँ, तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है उसमें कौन कौन से नेशन आते हैं, तो यहाँ पे देखो ब्राजील आता है, रशिया आता है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, और एस फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है क्रिशियल रैम्पा पोसा,
जो रैंपापोसा है ये यही इसके अभी रैंपापोसा की अध्यक्षता में ब्रिक्स सबमिट होने वाला है आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना, तो इसे याद रखना। उसके बाद ये कौन सा आपका ब्रिक्स सबमिट होने वाला है, तो याद रखना ये 15वां ब्रिक्स सबमिट है, यानी कि 14वां ब्रिक्स सबमिट आपका 2019 में हुआ था और 2023 में डायरेक्ट 15वां ब्रिक्स सबमिट होगा, जो कि पर्सन टू पर्सन सबमिट माना जा रहा है। ये फर्स्ट पर्सन टू पर्सन सबमिट होगा सिंस 2019 के बाद, क्योंकि 2019 पैंडमिक कोविड और इवन 2022 में हम लोगों ने कोविड रिकॉर्ड को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ ये वर्चुअली रूप से किया गया था, एंड देन अब ये 2022 में कंडक्ट किया जा रहा है। देखो गाइस इसमें क्या क्या बातें हो सकती है, तो ग्लोबल स्टेबिलिटी के ऊपर बातचीत हो सकती है, फूड के ऊपर बातचीत हो सकता है, फर्टिलाइजर इसमें हो सकता है, और उसके बाद मेन स्ट्रीम में फ्यूल यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी रहने वाला है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो कि मेन फ्रेम में रहने वाला है जिसके ऊपर बातचीत होगा। इंडिया का क्या एक्सटेंड हो सकता है, तो इंडिया का काफी स्पेशल इसमें रोल हो सकता है, काफी क्रूशियल हो सकता है। पहले तो हम लोग बात करेंगे चाइना और इंडिया के बीच में बायलैटरल टॉक्स हो सकता है, जिसमें हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है ना, और इसमें शामिल होंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, फिर जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, इन दोनों के बीच में फेस टू फेस इसमें बातचीत हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं ये अटेंड भी करेंगे SCO को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी ये लोग करेंगे, ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारी बातें थी, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको जिसके ऊपर किया जा सकता है, बट हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी थे उसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। देखो गाइस दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा। एक जोहेनबर्ग डिक्लेरेशन के ऊपर आप सर्च कर लेना, ठीक है ना, गूगल सर्च कर लेना। दूसरा ब्रिक्स कर लेना। तीसरा आप ICC कर लेना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग गूगल सर्च में कर लेना ब्रिक्स प्लस क्या है, ब्रिक्स प्लस डायलॉग क्या है, इसको एक बार आप लोग गूगल सर्च कर लेना और आपकी सारी के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद G7 डेवलप्ड कंट्रीज कौन सा है और क्लब क्या है, इसको एक बार देख लेना और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, समझ गए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है आप सभी के लिए न्यूज़, ठीक है। एंड देखो गाइस दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल्स मुझे लगे हैं। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की जो ब्रांड एम्बेसडर है उनको बनाया गया, राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है BPCL का, ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड क्या है, इसको एक बार गूगल सर्च करके देख लेना, क्योंकि ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गाइस देखते हैं आगे क्या है आप लोगों के लिए न्यूज। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक रेट रिव्यू आंसर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।